दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 23 मार्च 2021, तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। जी हां, बिहार बोर्ड की ओर से परीक्षा का रिजल्ट होली से पहले ही जारी किया जा सकता है। यह परीक्षा में करीब 13,50,000 परीक्षार्थी शामिल हुए थे, जिनमें लगभग 7 लाख छात्र और 6 लाख छात्राएं हैं। कॉपियों का मूल्यांकन पहले ही पूरा कर लिया गया है, अंक तालिका बनाने का काम भी लगभग पूरा हो चला है। दोस्तों कल 22 मार्च था और 22 मार्च को बिहार दिवस होता है, तो कल बिहार दिवस था। जी हां, साल 1912 के 22 मार्च को बिहार की स्थापना बंगाल से अलग करके की गई थी। इसके 109 साल पूरा होने पर सोमवार को बिहार दिवस समारोह का वर्चुअल आयोजन ज्ञापन भवन में किया गया। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस समारोह से वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़े। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को बिहार के गौरव से अवगत कराना जरूरी है, साथ ही उन्होंने बिहार में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर लोगों को सावधान किया। जी हां, बिहार दिवस को लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। इसके पहले राज्यपाल फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सहित अनेक नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने भी जनता को बिहार दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी। दोस्तों बिहार के 10 में से 8 जिला जो सूखा प्रभावित है वह दक्षिण बिहार का ही जिला है। जी हां, इसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, बक्सर, भोजपुर, जहानाबाद, पटना और गया जिला शामिल है। इन 8 जिलों में 2011 से लगातार भूजल दोहन बढ़ रहा है। जी हां, दक्षिण बिहार के जिलों में 2013 से 2017 तक सर्वे बताते हैं कि भूजल दोहन में बढ़ोतरी हुई है। जलवायु परिवर्तन की वजह से मानसून के दर्रे में बदलाव आया है, इसकी वजह से दक्षिण बिहार में बहने वाली नदियों से निकलने वाली नहरों में पानी का भारी अभाव आया। दोस्तों सीमांचल, मिथिलांचल सहित उत्तर बिहार के जिलों में अगले 3 दिनों तक मौसम साफ बना रहेगा। जी हां, मौसम में कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, जैसा अभी है वैसा ही रहेगा। जी हां, इसके साथ ही आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे। जी हां, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के मौसम वैज्ञानिक द्वारा सोमवार को जारी पूर्वानुमान में 26 मार्च तक आसमान में हल्के बादल छाए रहने की संभावना जताई थी। मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर ए सत्तार ने कहा है कि उत्तर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में आसमान में हल्के बादल आ सकते हैं। जी हां, मौसम भी शुष्क रहेगा, दिन में अच्छी धूप निकलेगी, अधिकतम तापमान 30 से 33 डिग्री और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दोस्तों गरीब परिवारों को राशन देने के लिए सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में गड़बड़ी का एक अनोखा मामला बिहार के वैशाली जिले से सामने आई है। यहां एक ही राशन कार्ड में 68 लोगों के नाम जुड़े होने पर अधिकारी चौंक गए हैं। अधिकारियों की हैरानी तब और बढ़ गई जब उन्होंने देखा कि इस राशन कार्ड पर हिंदू और मुसलमान दोनों ही समुदाय के लोगों के नाम शामिल है। अधिकारियों के सामने मामला सामने आने के बाद जब जांच की गई तो पता चला कि जन वितरण प्रणाली दुकानदार का यह फर्जीवाड़ा उजागर हो गया है। यह वन नेशन वन राशन कार्ड योजना में 68 लोगों के नाम पर राशन उठाने के मामले के खुलासे के बाद प्रशासन हरकत में आ गया। दोस्तों पश्चिम बंगाल और असम दोनों ही राज्य में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार और केंद्र के अपने गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने का फैसला कर लिया है। जी हां, दोनों ही राज्यों में विधानसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को जेडीयू ने सिंबल देने आरंभ कर दिए हैं। इस बात की मिली जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल चुनाव में जेडीयू ने अब तक 45 तथा असम में 50 उम्मीदवारों को अपने सिंबल दिए हैं। जी हां, इन राज्यों में जेडीयू बिना किसी दल के साथ समझौते के अपने दम पर मैदान में है। दोस्तों बिहार में वर्तमान मुखिया के लिए एक सख्त फरमान जारी हुआ है। जी इस फरमान के कारण मुखिया जी की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अगर वे बिहार सरकार का ये फरमान नहीं मानते हैं तो फिर उन्हें चुनाव लड़ने से वंचित कर दिया जाएगा। जी आपको बता दें कि बिहार के पंचायती राज विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि बिहार के वर्तमान मुखिया 31 मार्च तक अपने ग्राम पंचायत के कार्यों का ऑडिट कराएं। जी अगर वह ऐसा नहीं करते हैं तो फिर उन्हें आयोग घोषित कर दिया जाएगा। खबर के मुताबिक पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव अमृतलाल ने सभी जिलों के डीएम, डीडीसी और जिला पंचायती पदाधिकारियों से इस संदर्भ में रिपोर्ट मांगी है कि राज्य के किस पंचायत के मुखिया ने अपने कार्यों का ऑडिट किया है या फिर नहीं।
दोस्तों हालिया दिनों में सदन से लेकर सड़क तक बिहार के नीतीश सरकार पर मुख्य विपक्षी दल राजद खासा आक्रामक है। जी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज यानी कि 23 मार्च को बिहार विधानसभा घेराव का ऐलान रखा है। जी हां, यह संयोग है कि उनके पिता और राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी एक बार विधानसभा का घेराव कर चुके हैं। जी हां, फिलहाल इस बार राजद विधानसभा घेराव की तैयारी जोर शोर से कर रहा है। जी आज इसका घेराव होगा। राजद युवा नेता इसको लेकर बेहद सतर्कता से रणनीति बना रहे हैं। राजद सूत्रों के मुताबिक विधानसभा घेराव के लिए पुलिस की आगामी रणनीति को देखते हुए राजद रणनीति बना रहा है। दोस्तों कल यानी कि 22 मार्च को बिहार दिवस था। इसी मौके पर बिहार के गौरव से जुड़ी कुछ बातें करते हैं। जी हां, बिहार की गौरवशाली यात्रा महज 109 साल पुरानी नहीं है, इसकी अतीत हजारों सालों से बेहद समृद्ध रहा है। जी हां, बिहार ने देश दुनिया को शताब्दियों से रास्ता दिखाया है, कई मोर्चे पर अभी भी दिखा रहे हैं। जी हां, आगे भी दिखाएगा। पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने बिहार की आत्मा में झांक कर देखा था। उन्होंने कह रखा था कि शिक्षा की स्थिति में अगर सुधार आ जाए तो भारत का नेतृत्व फिर से बिहार ही करेगा। जी हां, डॉक्टर कलाम के शब्दों का देश भर में फैले इस प्रदेश की मेगा से जोड़कर देखा जा सकता है। जहां बिहार सब जगह है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक निर्माण की सभी कहानियों का हीरो है। जहां बुनियाद का पत्थर बिहार है, जहां राजनीति का प्राण बिहार है। अतीत से वर्तमान तक बिहार के पहुंचने की प्रक्रिया की सीमा नहीं है। जहां इसी में अपनी मिट्टी पर गर्व करने के कई क्षण भी छुपे हुए हैं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से अलग करके बिहार को विधिवत राज्य का दर्जा दिया गया था। उस वक्त ओडिशा और झारखंड भी बिहार के साथ ही थे, तभी से बिहार पुनर्निर्माण के रास्ते पर चल पड़ा है। जी हां, नीति न्याय के साथ सियासत के जरिए बिहार की दशा बदलने की कोशिश जारी है। सड़क और बिजली से आगे बढ़कर बिहार अब सामाजिक बदलाव के लिए बेताब है। शराब बंद की सफलता असफलता पर राजनीतिक बहस को अगर दरकिनार कर दें तो बहुमत का मानना है कि समाज को बचाने का सबसे बेहतर रास्ता दूसरा नहीं हो सकता है। जी हां, इसीलिए 30 मार्च 2016 को बिहार में दोनों सदनों के सदस्यों ने सामूहिक रूप से शराब बंदी का संकल्प लिया। यह दलीय सीमा तोड़कर सबने कहा है कि ना पिएंगे ना ही पीने देंगे। इसी संकल्प से प्रेरित तो दूसरे कई प्रदेशों में भी शराबबंदी की मांग आज उठ रही है। आधी आबादी की हिफाजत में भी बिहार ने दूसरों के लिए नजीर पेश किया है। बिहार सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को शैक्षिक रूप से 35% तक आरक्षण देकर बिहार सामाजिक क्रांति का एक नजीर बना। जी, ये कदम अचानक ही नहीं उठा गया, 17 साल पीछे लौटे हैं तो महिला उत्थान के एक बड़े फैसले से इस प्रदेश ने देश को प्रभावित किया है। 2005 में जब सत्ता परिवर्तन हुआ और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी, नई सरकार बनी, तो फिर एक साल के भीतर देश में पहली बार बिहार में पंचायती राज के सभी पदों पर आधी आबादी को 50% तक आरक्षण दिया गया। यह इसका अनुकरण दूसरे कुछ राज्यों ने भी किया। बेटियों को निशुल्क यानी कि फ्री में साइकिल देकर स्कूल तक पहुंचाने की परंपरा भी सबसे पहले बिहार ने ही डाली। आज इसी का नतीजा है कि स्कूलों में बेटों से ज्यादा बेटियों की संख्या है। आज सबके लिए मकान की बात की जा रही है, जबकि 1947 में ही बिहार ने भूमिहीनों के लिए अधिनियम बनाकर सबके लिए आवास की व्यवस्था की। जी हां, आजादी के बाद देश के सबसे बड़ी समस्या से निजात दिलाने के लिए रोड में बिहार नहीं बनाया था। भूमि सुधार के प्रयासों का पहला अध्याय 1950 में तब लिखा गया जब बिहार भूमि सुधार अधिनियम पारित करके जमींदारी व्यवस्था पर ब्रेक लगा दिया गया। फैसला उस वक्त का है जब देश का अपना संविधान भी लागू नहीं हुआ था। जी हां, श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व वाली बिहार की समृद्ध सरकार ने कानून बनाकर देश को रास्ता दिखाया। बाद में इसी तर्ज पर केंद्र सरकार ने चकबंदी एक्ट लाया और अधिकतम जमीन रखने की समय सीमा तय कर दी गई। जी हां, गांधी युग की बुनियाद भी बिहार में ही पड़ी थी। यह सत्याग्रह के विचारों को जमीन और हवा पानी चंपारण ने दिया। बिहार ने मोहनदास को इतनी ताकत दी कि दुनिया उन्हें महात्मा मानने लगी। जी हां, यानी कि महात्मा गांधी। जी हां, आजादी की लड़ाई में बिहार के महत्व को समझते हुए सुभाष चंद्र बोस ने 1940 में एक साल के दौरान 450 सभाएं की थी। बिहार के ही सील भरदयाजी को अपने आंदोलन का प्रमुख साथी बनाया। जी हां, राष्ट्र कवि दिनकर की कविताएं आजादी की चिंगारियां बिखेर रही थी। अपना संविधान बनाने की बात आई तो फिर सच्चिदानंद सिन्हा और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने आगे बढ़कर जिम्मेवारी संभाली। यह देश को राजेंद्र प्रसाद की मेगा की जरूरत पड़ी तो फिर उन्हें पहला राष्ट्रपति बनाया गया। यह लपेटे उठी तो फिर देश की राजनीति की दशा दिशा बदल गई। सफर यही नहीं थमा, दिल्ली की तानाशाही से जनता जब उबने लगी तो फिर जयप्रकाश नारायण के रूप में समाधान नजर आया। संपूर्ण क्रांति की आग बिहार से ही शुरू हुई और आहुति भी बिहार नहीं डाली। यह लपटे उठी तो फिर देश की राजनीति की दशा और दिशा बदल गई।
दोस्तों बिहार के बाद पश्चिम बंगाल में भी अपनी जमीन तलाश रहे AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखाई दे रहा है। जी हां, ओवैसी की पार्टी के बंगाल चुनाव में उतरने से काफी हलचल मच गई थी, लेकिन अब चुनाव से पहले ही ओवैसी की पार्टी AIMIM बिखरती नजर आ रही है। जी हां, दरअसल जिन दो मुस्लिम नेताओं के भरोसे हुए बंगाल में पार्टी का झंडा बुलंद करना चाहते थे, उन्हें नेताओं ने उनका साथ छोड़ दिया, यानी कि उनका खेल बिगाड़ दिया। जी हां, दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जमीरुल हसन ने चुनाव के ठीक पहले ओवैसी का साथ छोड़ दिया है। जी हां, वही फुरफुरा शरीफ के पीएड ज्यादा अब्बास सिद्दीकी ने भी ओबीसी के बदले कांग्रेस लेफ्ट के साथ चला जाना उचित समझा। जी हां, जमीरुल हसन ने ना सिर्फ पार्टी छोड़कर ओबीसी को झटका दिया, बल्कि उन्होंने उन पर कई तरह के गंभीर आरोप भी लगाए। जी हां, और उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचाने की भी बात कही। जी हां, जमीरुल हसन ने दावा किया है कि बंगाल में AIMIM के 90% कार्यकर्ता उनके साथ हैं। उन्होंने बताया कि वे बंगाल चुनाव में इंडियन नेशनल लीग के साथ देंगे। जी हां, जमीरुल हसन ने ओबीसी की AIMIM के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। यह जमीरुल हसन ने कहा कि AIMIM जहां चुनाव लड़ेगी वहां वह उनके खिलाफ प्रचार करेंगी। दोस्तों, भाजपा के दिग्गज नेता अमित शाह कोलकाता में पार्टी कार्यालय में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि हमने इसे घोषणा पत्र की जगह संकल्प पत्र नाम देना उचित समझा, क्योंकि ये एक संकल्प है कि हम आगे किस तरीके के सोनार बंगला बनाएंगे, कैसे पश्चिम बंगाल की आवाम की अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। इस अवसर पर अमित शाह के साथ कैलाश विजयवर्गीय और दिलीप घोष भी उपस्थित थे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हम पीएम किसान सम्मान निधि को आगे बढ़ाएंगे। 75 लाख किसानों को जो 18,000 रुपए प्रति किसान ममता दीदी ने नहीं पहुंचाया है, उसे उनके बैंक अकाउंट में पहुंचाने का काम करेंगे। उनके अनुसार राज्य सरकार की नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा। हमने यह तय किया है कि बंगाल और सीमा पर बार लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। हम राज्य सरकार की सभी नौकरियों में महिलाओं को 33% तक आरक्षण देंगे। उन्होंने कहा कि पहले ही कैबिनेट मीटिंग में CAA लागू किया जाएगा। जी हां, संकल्प पत्र में घोषणा के मुताबिक मछुआरों को हर साल 6,000 रुपए की मदद देने का भी काम भाजपा सरकार करेगी। पहले ही कैबिनेट में बंगाल के प्रत्येक गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम काम करेंगे। प्रति वर्ष किसानों को भारत सरकार का जो 6,000 रुपए आता है, उसमें राज्य सरकार का 4,000 रुपए जोड़कर कुल 10,000 रुपए किसानों को हर साल प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, बिहार में परिवहन भाड़ा बढ़ा तो फिर सीमेंट का भाव भी बढ़ गया। सीमेंट कंपनियों द्वारा सीमेंट परिवहन करने वाले ट्रांसपोर्टरों की मांग मानते हुए परिवहन भाड़े में बढ़ोतरी कर दी है। यह इसका असर दिखना भी शुरू हो गया है। परिवहन भाड़ा बढ़ने का असर उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने की संभावना है। 330 रुपए तक मिल रही सीमेंट अब 375 रुपए तक पहुंच चुकी है, जिन्हें अभी कीमतों में और उछाल आ सकती है। ऐसे में मकान का सपना देख रहे लोगों के लिए महंगाई झेलनी पड़ेगी। क्षेत्र से जुड़े कारोबारियों का कहना है कि सीमेंट की कीमतें में आई इस तेजी को बाजार किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं कर रहा है और मांग कमजोर है। ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से माल की हो रही किल्लत के चलते पहले ही सीमेंट की कीमतों में इजाफा हो गया है। यह अब परिवहन भाड़ा में बढ़ोतरी का असर कीमतों में दिखेगा। बताया जा रहा है कि कंपनियों ने भी और भी सामान के दाम बढ़ने के संकेत दिए हैं। दोस्तों, देश भर से अब कोरोना के डराने वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं। यह पिछले एक हफ्ते के दौरान संक्रमण के नए केस में 67% तक का इजाफा हुआ है। जी, इन 7 दिनों के दौरान 1 लाख से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। इतना ही नहीं, पिछले एक हफ्ते के दौरान जान जाने वालों की दर में भी 41% की बढ़ोतरी देखी गई है। यह पिछले 9 हफ्तों के बाद सबसे ज्यादा 1239 लोगों की जान गई है। जी, हालांकि राहत की बात यह है कि भारत में पिछले बार के मुकाबले जान जाने के दर बेहद कम है। पिछले एक हफ्ते यानी कि 15 से 21 मार्च के दौरान देश भर में 2,60,000 नए केस सामने आए, जबकि इससे पिछले हफ्ते 1,55,000 नए मामले सामने आए थे। यानी कि पिछले साल से लेकर अब तक कोरोना की रफ्तार में यह सबसे बड़ा इजाफा है। इससे पहले पिछले साल यानी कि 20 से 26 जुलाई 2020 के बीच 34% नए केस में बढ़ोतरी हुई थी। उस वक्त एक हफ्ते से दूसरे हफ्ते के मुकाबले 80,000 नए केस सामने आए थे। कल भारत में कोरोना के 47,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। यह पिछले 130 दिनों के बाद यह एक दिन में सबसे बड़ा इजाफा है। इससे पहले एक दिन में इतने ज्यादा संक्रमण के मामले पिछले साल 11 नवंबर को आए थे। जी, पहले की तरह इस बार भी कोरोना के सबसे ज्यादा मार महाराष्ट्र पर पड़ी है। जी, रविवार को यहां 30,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं।
कोरोना वैक्सीन लगवाने से क्या रोजा टूट जाएगा? जी, अगले महीने से शुरू होने वाले रमजान से पहले मुस्लिम समुदाय ये सवाल पूछ रहे हैं, मुसलमान ये सवाल पूछ रहे हैं। जी, मुस्लिमों में इस बात को लेकर भ्रम है कि रमजान के दौरान वैक्सीन से उनका रोजा बाधित होगा। हालांकि सऊदी अरब के ग्रेड मुफ्ती ने इस भ्रम को दूर करने का प्रयास किया है। जी, मुफ्ती ने कहा कि रोजा रखने पर वैक्सीन लगवाने से रोजा नहीं टूटेगा। अरब न्यूज के मुताबिक रमजान के पाक महीने से ठीक पहले सऊदी के ग्रैंड मुफ्ती शेख अब्दुल अजीज अल शेख ने कहा है कि रोजा करते समय कोरोना वैक्सीन प्राप्त करने में कुछ भी गलत नहीं है, इससे रोजा अमान्य नहीं होगा। जी, उन्होंने आगे कहा है कि वैक्सीन से रोजा रखने वाले व्यक्तियों का रोजा नहीं टूटेगा क्योंकि इसे फूड या फिर ड्रिंक नहीं माना जाता है। वैक्सीन को शरीर के अंदर लगाया जाता है, इसलिए इसे रोजा नहीं टूटेगा। मुफ्ती की इस सफाई से निश्चित रूप से उन करोड़ों मुसलमानों को राहत मिलेगी जो अब तक रोजा में वैक्सीन को लेकर संयम में थे। जी हाँ, गौरतलब है कि इस साल रमजान का पाक महीना 12 या फिर 13 अप्रैल से शुरू हो सकता है। हालांकि सही तिथि का निर्धारण देखने के आधार पर ही होगा। वही एक रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम कोरोना वैक्सीन में पोर्क को इस्तेमाल को लेकर भी चिंतित है। जी हाँ, हालांकि एस्ट्राजेनेका ने स्पष्ट कर दिया है कि उसके कोरोना वैक्सीन के टीके में पोर्क का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच एक पत्र वायरल हो रहा है। जी हां, वायरल पत्र में सभी स्कूलों में छुट्टी की बात कही गई है। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद के निदेशक संजय सिंह का एक कथित पत्र वायरल हो रहा है। जी हां, वायरल लेटर में लिखा गया है कि कोरोना संक्रमण बढ़ने के कारण 19 मार्च 2021 से सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल 15 जून 2021 तक बंद रहेंगे। जी हां, उस पत्र में कहा गया है कि सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूल सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक हित में 15 अप्रैल 2021 तक बंद रखेंगे। जी हां, इसके ऑनलाइन शिक्षक गतिविधियां जारी रह सकती है। पत्र में संजय सिंह राज्य परियोजना निदेशक का कथित हस्ताक्षर भी किया गया है। जी, शिक्षा विभाग से जब इस बारे में जानकारी की गई तो फिर यह पता चला कि राज्य परियोजना निदेशक ने इस तरीके का कोई भी पत्र जारी नहीं किया है। मतलब साफ है कि किसी ने जानबूझकर फर्जी पत्र तैयार करके उसे वायरल किया है। जी, वही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि जो पत्र वायरल किया जा रहा है वह फर्जी है। दोस्तों, होली का त्यौहार बेहद नजदीक है, लिहाजा लोगों ने होली की तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। जी हां, होली का सीजन आते ही मिलावटी मिठाई और अन्य मिलावट खाद्य पदार्थों के धंधेबाज भी सक्रिय हो चुके हैं क्योंकि त्योहारों के मौसम में लोग बड़ी मात्रा में मिठाई, खोआ, मेवा की खरीदारी करते हैं। लिहाजा नकली खाद्य सामग्रियों का धंधा करने वाले धंधेबाज भी ज्यादा मुनाफा के चक्कर में लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करने से बाज नहीं आते हैं। जी हां, इधर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट भी ऐसे धंधेबाजों पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई करता है। लेकिन यह होगा कैसे, क्योंकि राज्य का यानी कि बिहार का एक लौता फूड टेस्टिंग लैब भी बंद हो चुका है जिसकी वजह से नकली धंधेबाजी पर शिकंजा कसने में डिपार्टमेंट को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जी, होली का त्यौहार आते ही नकली खाद्य सामग्रियों के धंधेबाज सक्रिय हो चुके हैं, लिहाजा फूड सेफ्टी अधिकारियों ने भी कमर कस ली है। जी, ऐसे धंधेबाजों पर नकेल कसने के लिए कार्रवाई भी की जा रही है। जी, विशेष टीम बनाकर विभाग के अधिकारी लगातार छापेमारी कर रहे हैं। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। जी, बांकुरा के कोतुलपुर में सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि गद्दार अब बीजेपी के उस्ताद हो गए हैं। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले 15 लाख देने का वादा किया था, क्या बीजेपी ने दिया? उन्होंने कहा कि भाड़ा पर बंगला सीख रहे हैं, बाहर से गुंडा लाकर वोट करना चाहते हैं। यह सीपीएम और कांग्रेस ने बीजेपी के साथ डील किया है। पहले सोचा था कि मेरे पांव में चोट है, मैं बैठ जाऊंगी और वे बंगाल दखल कर लेंगे, लेकिन जब तक सांस और फिर जब तक विश्वास रहेगा मैं बीजेपी को बिना युद्ध एक इंच भी जमीन नहीं छोड़ूंगी। यह अस्तित्व की रक्षा की लड़ाई है। मैं एक पांव में चोट के बावजूद भी क्यों घूम रही हूं? क्योंकि एक पांव से ऐसा चोट मारूंगी कि मैदान से बाहर कर दूंगी। ममता बनर्जी ने कहा कि रेल बिक्री, कोयला बिक्री का पैसा कहां गया? ममता बनर्जी ने कहा कि यह चुनाव बंगाल का चुनाव है, दिल्ली का चुनाव नहीं है। बीजेपी झूठे वादे करती है। पिछली बार बीजेपी ने कहा था कि 15 लाख रुपए देंगे, लेकिन क्या किया, क्या दिया? कुछ भी नहीं। यह चुनाव के पहले सब कुछ देने का वादा बीजेपी करती है, लेकिन बाद में केवल डुगडुगी बजाती है, कुछ भी नहीं देती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार खाद्य साथी योजना के तहत बिना पैसा राशन पहुंचाएगी। फिलहाल राज्य के लोगों को मुफ्त राशन सरकार देती है। दोस्तों, 22 मार्च 2020 का दिन किसे याद नहीं होगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अपील पर भारतवासियों ने खुद को घरों में कैद कर लिया था और फिर शाम को कोरोना योद्धाओं के प्रति सम्मान व्यक्त करने के उद्देश्य से लोगों ने 5 मिनट तक थाली ताली बजाए थे। यह 22 मार्च 2020 के दिन को जनता कर्फ्यू के नाम से जाना जाता है। आज जनता कर्फ्यू के 1 साल पूरे हो गए हैं। खौफ के साए के बीच जनता कर्फ्यू की कई मजेदार यादें भी लोगों के जहन में होगी। आज हम आपको एक ऐसा ही वीडियो दिखाएंगे जो जनता कर्फ्यू की
मजेदार याद को ताजा कर देगी। दरअसल कोरोना महामारी की दस्तक के साथ ही पूरा देश इसके खिलाफ एकजुट दिखा। चीन में बड़ी संख्या में जाने गई और दुनिया भर से कोरोना की दहला देने वाली रिपोर्ट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2020 के दिन यानी कि रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक जनता कर्फ्यू का ऐलान किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जान जोखिम में डालकर कर्तव्य निभाने वाले चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों और मीडिया कर्मियों को धन्यवाद अर्पित करने का लोगों से आह्वान किया। जी, उन्होंने जनता से अपील की कि शाम ठीक 5 बजे अपने दरवाजे या फिर बालकनी में खड़े होकर कोरोना योद्धाओं के सम्मान में 5 मिनट तक ताली थाली बजाएं। जी, इस योजना का ऐसा असर हुआ कि लोगों ने हाथों हाथ अपील को लिया और उस समय पर पूरा देश ताली थाली की आवाज से गूंज उठा। जी, हालांकि इस दौरान ऐसे कई दृश्य भी सामने आए जो कि काफी गुदगुदाने वाले थे। कुछ लोगों के ताली थाली बजाने का तरीका इतना रोचक और मजेदार था कि उसका वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ताली थाली बजाने से भले ही कोरोना को कुछ नहीं हुआ हो, मगर कुछ तस्वीरों ने लोगों को मनोरंजन खूब किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को कुछ लोगों ने इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया था कि वे घरों के बाहर भी निकल गए और मशाल जलाने लगे। जी हां, सड़कों पर निकलकर ताली थाली बजाने लगे। वह दिन हर दिन किसी को याद है। जी हां, कोरोना ने ऐसा कहर बरपाया है कि देश भर में लॉकडाउन लगाया गया। जी हां, जिसके चलते सड़कों पर सन्नाटा पसर गया और लोग घरों में कैद हो गए, जिंदगी थम सी गई। उस दिन कैंडल जलाकर और थाली बजाकर लोगों ने एक दूसरे का उत्साह बढ़ाया। जी हां, आज इसी जनता कर्फ्यू के 1 साल पूरे हो गए हैं, ठीक 1 साल हो गए हैं। इस 1 साल में कोरोना के खिलाफ जंग में भारत डटकर खड़ा है। जी हां, मगर वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना फिर से जोर पकड़ रहा है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की चुनावी जंग अब किसानों के खेत और खलियान तक पहुंच चुकी है। राज्य की गद्दी तक तीसरी बार पहुंचने के लिए जोर लगा रही सत्ताधारी टीएमसी ने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए वादों की झड़ी लगा दी है। जी हां, वही बंगाल में पहली बार सत्ता पाने को बेकरार बीजेपी ने भी किसानों के लिए खूब वादे किए। जी हां, पश्चिम बंगाल के 71,23,000 किसान परिवारों को दोनों दल अपने चुनावी वादों से अपने पाले में खींचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जी हां, बीजेपी जहां एक तरफ पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम को सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी अपने कृषक बंधु योजना के दम पर केंद्र की सम्मान निधि स्कीम को धता बता रही है। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि योजना को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लागू नहीं किया है। आपको यह भी बता दें कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना को ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में लागू ही नहीं किया है। जी हां, बीजेपी लगातार ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है कि वे प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ नहीं लेने दे रही है। केंद्र की मोदी सरकार जहां पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत 6,000 रुपए किसानों के खाते में सालाना डालती है, वही ममता बनर्जी की सरकार कृषक बंधु योजना के तहत प्रतिवर्ष 5,000 रुपए किसानों को दे रही है। अब दोनों ही दल अपनी स्कीम में बदलाव करके किसान वोटरों को लुभाने की कोशिश में है। जी हां, बीजेपी ने किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाले 6,000 रुपए के 4,000 रुपए राज्य सरकार की ओर से जोड़कर किसानों को देने का ऐलान किया है। जी हां, वही टीएमसी ने कृषक बंधु योजना के तहत प्रति एकड़ मिलने वाली 5,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपए देने का वादा किया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ करीब 70 लाख किसानों को 3 साल से नहीं मिलता है। हर किसान के लिए यह रकम 18,000 रुपए बनती है। जी हां, उसे सीधे किसानों को बैंक अकाउंट में देने का वादा किया है। एक तरफ बीजेपी का दावा है कि किसान सम्मान निधि से बंगाल के 70 लाख से अधिक किसान परिवार वंचित रह गए हैं। दोस्तों, अगले महीने आपका पैन कार्ड रद्द हो सकता है। जी, आयकर विभाग ने सभी पैन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है। इसलिए अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है तो फिर अलर्ट हो जाइए। जी हां, सीबीडीटी ने पैन कार्ड और फिर आधार लिंकिंग की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 तय कर दी है। यानी कि इसके लिए सिर्फ आपके पास 10 दिन ही बचा हुआ है। यानी कि इसके लिए सिर्फ आपके पास 8 दिन ही समय बचा हुआ है। जी, अगर आपने 31 मार्च तक ये काम नहीं किया तो फिर आपका पैन कार्ड बेकार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आप पर आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत 10,000 रुपए तक का जुर्माना भी लग सकता है। इसीलिए सभी पैन कार्ड धारकों को स्टेटस की जांच करके आधार से जल्द लिंक कराना चाहिए। दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण दूसरे देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकाले जाने के उद्देश्य से शुरू किए गए भारत के व्यापक निकासी कार्यक्रम वंदे भारत मिशन के तहत विदेशों से 67 मिलियन से अधिक लोगों को स्वदेश वापस लाया गया है। जी हां, रविवार को नागरिक उड्डयन मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। जी हां, उन्होंने बताया कि 67 मिलियन लोगों को स्वदेश वापस लाया गया है। जी हां, और यह संख्या लगातार बढ़ रही है। वे कहते हैं कि वंदे भारत दुनिया भर में फंसे और परेशान नागरिकों को वापस लाने का एक मिशन
मिशन मात्र नहीं है बल्कि ये आशा और खुशी का मिशन रहा है। ये लोगों को एक बताने का मिशन रहा है, यह लोगों को ये बताने का मिशन रहा है कि बेहद कठिन समय में भी उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। दोस्तों बिहार में भारत नेपाल सीमा के समांतर दो लेन सड़क अगले साल तक बनकर तैयार हो जाएगी। जी हां, यह सड़क पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले से होकर गुजरेगी। यह सड़क सामरिक और यातायात को लेकर महत्वपूर्ण है। पहले इसकी समय सीमा 31 दिसंबर 2022 थी। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने इस परियोजना का 10 फरवरी 2019 को हवाई सर्वेक्षण और फिर 22 जनवरी 2019 को समीक्षा के बाद मार्च 2022 तक पूरा करने का निर्देश किया। इस परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। यह वही 31 दिसंबर 2021 तक करीब 230 किलोमीटर की लंबाई में सड़क का निर्माण पूरा हो करके इस पर आवागमन भी शुरू करने की संभावना। सूत्र के अनुसार इस सड़क को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 522 किलोमीटर की लंबाई में बनाने की मंजूरी दी है। इसकी लागत करीब 3262 करोड़ रुपए है। यह इस सड़क परियोजना में करीब 13 पुल और 852 पुलिया होंगी। इस सड़क की कुल लंबाई 729 किलोमीटर है लेकिन करीब 177 किलोमीटर पहले से ही NH 104 का हिस्सा है। ऐसे में करीब 552 किलोमीटर नई दो लेन सड़क का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने केंद्र से इसे भविष्य में 4 लेन बनाने की मंजूरी देने का भी अनुरोध किया है। दोस्तों कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि कांग्रेस एक विचार है, यह सिर्फ एक परिवार के लिए नहीं है, इसीलिए इसे सिर्फ गांधी परिवार से जोड़ना असंगत है। यह कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी रविवार को प्रचार करने असम पहुंची थी। इस दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने असम में चुनाव में जीत का विश्वास व्यक्त किया और कहा कि हम बहुत ही ठोस लड़ाई लड़ रहे हैं। जो उन्होंने कहा कि हमेशा बीजेपी का प्रयास ध्रुवीकरण करने का रहा है, हमारा प्रयास असम का विकास करने का है, असमिया लोगों की जरूरतों को लेकर बात करने और फिर यहाँ की संस्कृति पहचान को संरक्षित और मजबूत करने का है। रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया है कि वे 22 सालों से महिलाओं के एक ट्वीट से दुखी है लेकिन असम में आई बाढ़ से तबाह हुए लोगों के लिए नहीं। दोस्तों असम विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है। बीजेपी भी अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच असम बीजेपी अध्यक्ष रंजीत कुमार दास का कहना है कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। रंजीत दास ने कहा कि ये संसद की तरफ से पारित कर दिया गया है, पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है, ये बीजेपी की एक वैचारिक प्रतिबद्धता है। CAA कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला है, हम निश्चित रूप से इसे लागू करेंगे, नियम बनेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को प्रदेश के बोकाखाट में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा था कि असम में दूसरी बार बीजेपी की सरकार आ रही है, असम में दूसरी बार NDA सरकार बनेगी, यह दूसरी बार डबल इंजन की सरकार बनेगी। दोस्तों पश्चिम बंगाल चुनाव 2021 में 26 सीटों पर चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब पीरजादा अब्बास सिद्दीकी नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाएगी। जी पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा है कि वे वोटिंग से पहले नंदीग्राम जाकर संयुक्त मोर्चा के कैंडिडेट का चुनाव प्रचार करेंगे। आपको बता दें कि नंदीग्राम सीट पर ममता का मुकाबला बीजेपी कैंडिडेट शुभेंद्र अधिकारी से है। जी एक निजी चैनल से बात करते हुए पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने कहा है कि मैं नंदीग्राम चुनाव प्रचार करने जाऊंगा, वहां पर मैं लेफ्ट कैंडिडेट मीनाक्षी के लिए जनसभा का मुकाबला त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करूंगा। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के इस ऐलान से नंदीग्राम में TMC की चुनौती बढ़ सकती है। दोस्तों तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा सरकार हमला तेज करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को आरोप लगाया है कि सरकार देश के चंद शीर्ष उद्योगपतियों के फायदे के लिए किसानों की आय और भविष्य छीनना चाहती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसी का नाम लिए बिना कहा कि हमने किसानों से जो वादा किया था वे आज पूरा किया है। आप जानते हैं भारत सरकार किसी और रास्ते पर चल रही है, वे किसानों के खिलाफ 3 कृषि कानूनों को लेकर आई है। केंद्र सरकार किसानों की आय और भविष्य छीनना चाहती है और से 2 बड़े उद्योगपतियों को देना चाहती है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की सरकार की सराहना करते हुए गांधी ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों में उनकी पार्टी की सरकार किसानों, मजदूरों, छोटे कारोबारियों, युवाओं तथा महिलाओं की मदद करने के मार्ग पर चल रही है। यह नोटबंदी और GST को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने नोटबंदी और GST लागू किया और आज आप देख सकते हैं कि भारत रोजगार पैदा करने में नाकाम हो गया है।
दोस्तों बिहार के गया जिला के अंतर्गत मोहरा प्रखंड के इमामगंज गांव एक ऐसा गांव है जहां के लोग आज भी गर्मी के दिनों में पानी के बूंद बूंद के लिए तरसते हैं। जी हां, पानी के अभाव में यहां के लोग गर्मी के मौसम में शादी समारोह भी नहीं कर पाते। जरूरत पड़ने पर सरदा करना तो मजबूरी होती है, तब वैसे समय में उन्हें नजदीक के दूसरे गाँवों से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। जी इमामगंज मोहरा प्रखंड के प्रसिद्ध तपोवन पहाड़ी श्रृंखला की तराई में बसा हुआ ये गांव है जो जिला मुख्यालय से करीब 40 किलोमीटर पूर्वोत्तर में अवस्थित है। जी करीब 35 से 40 घरों का छोटा सा गांव है। यहां के लोग गर्मी के दिनों में पानी के लिए ऐसे समय में तरस रहे हैं जब पूरे बिहार में घर घर में नल से जल पहुंचाए जाने की बात कही जा रही है। जी घर घर शुद्ध पेयजल नल के माध्यम से पहुंचाने का 7 निश्चय योजना का प्रथम चरण समाप्त होकर दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में यह गाँव नल जल योजना से भी वंचित रह गया है। जी यहां की आधी आबादी कुएं से पानी भरकर पीते हैं, वह कुआं भी ये लोग खुद के प्रयास से निजी खेत में बनाए हैं। जी सरकारी व्यवस्था से आजादी के 72 साल बीत जाने तक मात्र 2 चापाकल लगाए गए हैं, लेकिन वो भी खराब पड़ा है। दोस्तों मत्स्य एवं पशुपालन मंत्री मुकेश सहनी इन दिनों किसी न किसी वजह से लगातार चर्चा में। सीएम नीतीश कुमार की सरकार में शामिल होने के बावजूद भी उनका असंतोष किसी सामने आ ही जाता है। जी दरभंगा के अलीनगर में आयोजित सम्मान समारोह के दौरान भी उनका दर्द छलका है। जी इस मंच से अपने विरोधियों को उन्होंने संदेश देने की कोशिश की है और कहा कि मैं किसी की मेहरबानी से नहीं बल्कि वीआईपी पार्टी की बदौलत आज मंत्री बनी। जिस दिन मेरे या फिर निषाद पार्टी के साथ भेदभाव हुआ उसी दिन मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक, कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय बिहार।